हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं लाइव भोजपुरी सॉन्ग चैनल से पवन सिंह ने इस लड़की से क्या पूछा आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा क्या पूछ लिया भाई? न्यू भोजपुरी लाइव शो 2018। ओके, तो 2018 का ये स्टेज शो है, उसका क्लिप है ये छोटा सा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं भाई पवन भैया ने ऐसा क्या पूछ लिया जो हम सोच नहीं सकते। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। भुला आ रहे हैं अमित जी, देख करके भुला भी नहीं सका। देख रहा छोटे कौन गारंटी नहीं के। अब तेरी माता हो सरी, आधा घंटा इंतजार करी हम तारा लोग के। एक जो फिल्म में हम गाना गवाले वाली लड़की हीरोइन कहा तेरी मन माता होश हो के रहे नाही कास में अतिलावा भी होई गाइल दूसरे के पास में। आ गई लोग आई सब भेजी नेवता पर गई ला। अमित अमित जी लेकर आइए। ज्यादा हमारा केहू ना चाहिए, हमारे भाई सब है ना, यही बहुत। जाइए फ्रंट पर जाइए। मन माता होश हो रहे नाही पास में अतिलवा भी होई गई दूसरे के पास में। वाह 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 वाह, बुझा तो जे बाढ़ आई लोग जियो। क्या बात, जय हो। हेलो हेलो, इधर इस साइड आ रहा हूं तो थोड़ा सा लेवल कम लगता है मुझे, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। सबके प्रणाम, सबके प्रणाम। जितने भाई हरे राम हर दे एक गाना वाला गाई बेके जाते, जितने भाई हमारे कैमरा से शूट कर रहे हैं, सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे भाइयों को भी शूट करिएगा। सब भाई लोग दिखे, हंसी मजाक चले ला, ऐसा बात नहीं खे। एगो मुक्तक बा कि बीबी जेठ के घाम होली और सरहज कागजी बादाम होली। क्या हुआ? ये तो कुछ को आते नहीं, खाली चुपचाप खड़ा बन रहा। कार्य अमिताभ फैमिली, यू आर रॉन्ग फैमिली अमित। हाँ, बीबी जेठ के घाम होली या सरहज कागजी बादाम होली, सास तो सोना है ये है बाकी साली मालदा आम। बीबी लड़कोर होली तब एकार लगेली, जब सरहज लड़को होली तब दार लगेली। ये भाई की माने चाहे मत माने, जब साली लड़कोर होली तक कुमार लगेली। ऐसा कई लोग लगातार लोग हैं, सुना ना? उसके बाद फिर ये करोगे ना तुम? हाँ भाई, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। ताली बजा दीजिए। एक और गीत के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मंच का भी रिक्वेस्ट है, पब्लिक भी चाहती है, एक गीत और गा दीजिए। क्या बात, यही ना आपके भगवान है, आप ही तो कहा करते हैं। गानों में हम करेंगे यार, इतना बढ़िया बताओ, प्यार मोहब्बत के बात करके हम खत्म करे जाते नहीं यार। तब लागल लोग नथिया काटे तब पायल बनावे, मन जो है एकदम मेरा खिचड़ी हो तू रहवा तो ये कुल होई। सही बात, एक कहां गाना तो आ, कहां से हो आप? कहां से हैं? ये कटारिया से आईपीए रो भी दिल्ली से हो आप? तुम गोरखपुर से हो? हम जब गाना गौली या शुरू कहनी या सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, समझ में आया क्या?
तुम्हारे चेहरे से लगा कहीं टूटे हुए हो क्या? टूटा रहा ही था कि जू टूट गया घर। देखो मंच के पीछे आप कहाँ जाएंगे हम कहाँ जाएंगे कोई ये नहीं है, लेकिन यहाँ मंच पे मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो, तोरे खाती हम ही हैं। बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन दिया तुमने, जियो खूब आगे बढ़िए। हाँ प्रणाम। ऑडियंस के साथ चिल्ला रहे होते हैं भैया प्रणाम। क्या बोल रही है? एक मिनट भैया, एक मिनट बाबू, एक मिनट। एह भाई क्या बोल रही है? क्या बताइए? जरूर बोलिए। ठीक है हाँ। कि डंडा किसे दिखा रहे हैं भाई? चला हम माई की आवाज सुन लेनी। बहुत ही खुशी और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक माता आके बोल रही कि हम लोग कहाँ जाएं, हम लोग को कुछ चाहिए। मैंने बोला क्या? तो बोल रहे कि माता रानी का एक भजन सुना दीजिए। जय जय। अरे यार कुछ ज्यादा गर्मी नहीं है? इतना बढ़िया से शुरू कोई नहीं है, स्नेहिया लगावल बहुत बात नहीं की। एक गाना वो हमके लिखे यार, जो कौन इसके लो जहां बढ़ाए थे वही दैवट के आगे हैं। वाह सब भैया हमारे खड़े हो गए हैं, देखिए जा भैया बचा के। अरे बड़ा पावन जगह बात करिए ऐसे आप लोग। का नाम है तुम्हारा? चैनी। जैनी कम खाली चूना बेसी खाली खाई। तो ही कह लिया तो भैया अब ये हम के समापन करे दे जा। एक बोल और हम सुनाएंगे। लव यू मेरा भाई। समय खत्म हो गया भैया, कोई गलती हुई हो तो माफी चाहता हूँ। जय माता दी, फिर मिलते हैं। जय हो, लव यू, गुड नाइट। अब इस कार्यक्रम को आदेशानुसार अगले साल तक यही स्थगित किया जा रहा है। फिर से मिलने मिलाने का वादा करते हुए बड़े भारी मन से हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओके, तो पहली बात तो यार देखो, डांसर्स का जो एक्सप्रेशन था ठीक है, वो ऐसा लगा जैसे वो थोड़ा सा नर्वस हैं, है ना? होता है भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ हर कोई स्टेज से मंच से मतलब फेमिलियर हो, बहुत ज़्यादा उस पर कॉन्फिडेंट फील करे। बहुत बार कई बार ऐसे डर लगता है, ठीक है। मैंने भी अपने स्कूल में बहुत सारे परफॉर्मेंस किए, ठीक है, कॉलेज में भी परफॉर्मेंस किए, लेकिन डर हमेशा लगा, है ना? लाइक इतनी सारी भीड़ देख कर ना किसी को भी डर लगता है। तो यार गट्स चाहिए होते हैं, थोड़ा सा ताकत चाहिए होती है उस चीज़ के लिए, है ना? कि हाँ सामने जा के इतनी सारी भीड़ के सामने परफॉर्म कर सके। और उस टाइम पे ना एक्सप्रेशन तो छोड़ो, वहाँ पे हाथ पैर भी ऐसे ऐसे कांप रहे होते हैं, है ना? तो लगा कि हाँ भाई थोड़ा सा नर्वस हैं। खैर पवन भैया ने काफ़ी अच्छी तरीके से उन्हें काम किया, ठीक है, कि मतलब शांत किया कि भाई कोई बात नहीं, आराम से जब हम गाना गा रहे हैं तो आपका एक्सप्रेशन है ना ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ठीक है। मंच पे आप किस तरह से बिहेव करोगे, मतलब बिहाइंड द सीन से हमारा कोई रिलेशन नहीं। तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने थोड़ा सा उनकी नर्वसनेस जो थी उन्हें शांत किया।
तो वो काफ़ी अच्छा लगा। इसमें मुझे ये नहीं पता चला पवन सिंह भैया ने ऐसा पूछा क्या, नाम ही तो पूछा था जय नी जय नी। वो पीछे वो जो मतलब बैक माइक में बोलते हैं वो मजाक उड़ा रहे थे, जय नी चूना खाए नी। हाँ तो कोई किसी का भी कोई कैसा भी नाम हो सकता है, बहुत सारे लोगों का होता है अजीबो गरीब नाम। और हमारे ये यूपी बिहार में तो अलग ही अलग नाम चलते हैं, है ना, कुछ बिल्कुल ही अलग नाम चलते हैं, टपरी और टप्पा और पता नहीं क्या क्या है ना, बउआ बाबू सोना, ये सब नाम में भी चलता है, लोग प्यार से किसी को बोलते हैं लेकिन ये चीज़ नाम में भी चलता है। खैर यार, यहाँ पर पवन भैया का गाना तो हमें नहीं सुनने को मिला इसलिए थोड़ा सा मुझे लगा ऑफ सा, है ना, बाकी ठीक ठाक था ये स्टेज शो। अगर गाने के थोड़े बहुत बोल होते, है ना, लाइक सनेहरिया लगा वाले वही वाला अगर गाना थोड़ा बहुत सुनाई देता तो काफ़ी अच्छा लगता। खैर यार कोई बात नहीं, किसी और दिन सुनेंगे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। बाय बाय।